रणनीत विचू दे बयान ते सियासत भग गई है। कांग्रेसी वर्कर सड़कां ते नजर आ रहे ने। कांग्रेसी वर्करां वल्लों जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, पुतला साड़िया गया। विचू ने राहुल अतवादी कहा सी। इस तों अलावा भी कई होर आगुआ ने राहुल नूं लैके जो बयानबाजी की सी उसका रोस अज जाहर करते हुए कांग्रेसी वर्कर नजर आए। दिल्ली दीआं इह तस्वीरां ने जिथे वेख्या जा सकता है नारेबाजी करते हुए यह वर्कर नजर आए। इस तों अलावा बैरीकेड भी इन्हां वल्लों तोड़ दिते गए, जिस तों बाद फिर पुलिस ने इन्हां नूं हिरासत दे विच लिया। राहुल गांधी नूं अतवादी कहा सी उस समय ते, क्योंकि अमरीका दौरे ते जदों राहुल गांधी सन तां इक इंटरव्यू दिता गया सी, एक भाषण दिता गया सी, जिस दे विच जिक्र जो है भाईचारियां दा कीता गया सी। इस तों अलावा जो इंटरव्यू दिता गया सी उस दे विच भारत दे आर्थिक हालातां ते भी गल की गई सी। उस तों बाद तरह तरह की बयानबाजी बीजेपी आगुआं वल्लों की जा रही है। रेल राज मंत्री समेत चार आगुआं दी पुलिस नूं शिकायत दिती गई है ते अठावले कहिंदे नजर आए। राहुल दा पासपोर्ट रद्द किया जाए तो राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा ते होर सहयोगी दल के आगुआं के खिलाफ कांग्रेस ने FIR दर्ज करवाई है। कांग्रेसी आगू अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत चार आगुआं की शिकायत की। माकन ने कहा कि जम्मू कश्मीर ते हरियाणा में विधानसभा चोणां होनिया ने, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली मध्य प्रदेश ते होर भी सूबे के भाजपा आगुआं के खिलाफ विरोध जाहर किया। उत्थे कांग्रेस ने विरोध विचाले राहुल के खिलाफ भाजपा ते होर जिहड़े सहयोगी आगू है फिर बयान दिता। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा राहुल गांधी विदेश में जाके देश दी जड़ी इमेज है वह खराब कर रहे हैं, पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। उथे ही भाजपा के सांसद अनिल कहते नजर आए राहुल दी जी भी कट देनी चाहिए। तो यह दस दईए कि 17 सितंबर को कांग्रेसी प्रधान खड़गे ने PM को चिट्ठी लिखी, जिसकी दो वड्डियां गल्लां रहीआं। भारतीय जिहड़े कल्चर है उस दे विच अहिंसा प्यार दे लई दुनिया भर में जाणिया जांदा है, पर इस समय दुनिया हैरान है कि केंद्र विच रेल राज मंत्री लोक सभा विच LOP नूं नंबर एक अतवादी कह रहे ने ते नफरत फैलाउण वाली शक्तियां दे चलदे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नूं शहादत देनी पई। इस लई भाजपा आगुआं नूं हिंसक बयान देण तों रोकणा चाहीदा, इह खास तौर ते चिट्ठी दे विच जिक्र कीता गया सी। ते तरविंदर सिंह मारवा दी गल कीती जावे, दिल्ली विच राहुल गांधी दे घर दे बाहर 11 सितंबर नूं भाजपा ने प्रदर्शन कीता सी। इस दौरान भाजपा आगू तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल नूं मारन दी धमकी देण दा इत्थे इल्जाम भी लग्या। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ते लिखिया बीजेपी आगू खुलेआम देश दे LOP नूं कतल दी धमकी दे रहा, यह बेहद गंभीर मामला है। भाजपा की नफरत की फैक्टरी का प्रोडक्ट है ते इस ते कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह कहा गया सी राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम विच तेरा भी उही होवेगा जो तेरी दादी दा होया। तरविंदर सिंह वालों कहा गया सी ते इस नूं धमकी करार दिता गया कांग्रेसियों वालों। तो उत्थे ही केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का भी बयान सामने आया सी, नंबर वन अतवादी कह दिता सी राहुल गांधी देश के दे नंबर वन टैररिस्ट ने, उन्होंने फड़न वाले इनाम देना चाहिए क्योंकि वो देश के दे सब तो व्डे दुश्मन ने। इस तरह की बयानबाजी रवनीत बिट्टू वालों की गई। तो उत्थे संजय गायकवाड़ कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी पिछड़ी जातियां ते आदिवासियों का जिहड़ा रिजर्वेशन है उसनू खत्म करना चाहते हैं ते जो राहुल दी जीव कटेगा उसनू 11 लाख रुपए इनाम वजो दिते जाणगे। ते उत्थे UP के मंत्री रघुराज सिंह ने भी बयान दिता सी 16 सितंबर इंदौर में पब्लिकली कहा सी कि LOP गांधी राहुल गांधी भारत के नंबर वन अतवादी ने, यानी कि इस तरह की जो बयानबाजी की गई। इस तो अलावा देखा गया कि हुण भी जो BJP के आगू ने राहुल के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं ते गुस्सा कांग्रेस का फुटिया है ते सड़कां ते अज कांग्रेसी आगू नजर आए, बैरीकेड्स तोड़ते हुए नजर आए ते कांग्रेस वालों जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। रवनीत बिट्टू के बयान से सियासत भगती हुई नजर आ रही है। इस तो अलावा कुल मिला के चार आगुआ ने, भाजपा के चार आगुआ ने और जी होर पार्टीज है उन्होंने आगुआ ने जो बयानबाजी की थी, नंबर वन अतवादी आख्या गया, धमकी दी गई दादी का जिस तरह हाल होया सी उही तेरा होवेगा इस तरह जदों कहा गया, इस दे खिलाफ अज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सड़कां ते उतर रही है। तो उत्थे देखा जा सकता है पुलिस प्रशासन दीआं टीमां भी इत्थे तैनात कीतीआं गईआं, पैरामिलिट्री फोर्सिस भी इत्थे तैनात कीतीआं गईआं। तो रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी नूं अतवादी कहा सी, जिस तों बाद लगातार बयानबाजी वाद पलटवार का दौर जारी है। तो रवनीत बिट्टू के बयान से सियासत भक गई है ते हुण सड़कां ते कांग्रेसी आगू नजर आए। कांग्रेसी वर्करां वल्लों रोस जाहर किया गया, पुतला साड़ के रोस जाहर किया गया। इस तों अलावा देखा गया बैरीकेड क्रॉस करने की इतने कोशिश की गई।
लड़ाई लड़ रहा है, माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और हम जो बीजेपी से करने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। माननीय राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत कांग्रेस का कार्यकर्ता कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है। माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और हम जो बीजेपी से करने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं।